सकते हैं, वहाँ की रेसी रखा हुआ है, अभी ये बनाया जा रहा है। इनका बनाने का तरीका सबसे लाजवाब है, देख सकते हैं अभी कितना जबरदस्त तरीके से बना रहे हैं। एग रोल रखा गया है और भी कौन कौन सा प्रकार का यहाँ का आइटम रखा। हेलो दोस्तों नमस्कार, आज हम पहुंच चुके हैं सिवान के सबसे फेमस जगह पर चाइना टाउन के पास। आज आपको हम दिखाने वाले हैं पनीर चिली स्प्रिंग रोल कैसे बनता है और यहां पे पब्लिक से बात भी करेंगे जो खा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अंदर चल के बातें करते हैं। हेलो भैया नमस्कार, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया सर, क्या बना रहे हैं? अभी हम मंचूरियन तैयार कर रहे हैं। देख सकते हो अभी मंचूरियन तैयार हो रहा है। यहाँ पे कौन कौन सा आइटम मिलता है? यहाँ पे बनता है सर मंचूरियन, बर्गर, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, ये सब चीज़ चाइनीज फूड में। देख सकते हैं यहाँ पे मंचूरियन रखा गया है, चाउमीन रखा गया है, एग रोल रखा गया है और भी कौन कौन से प्रकार का यहाँ पे आइटम रखा है जो अलग अलग प्रकार का। यहाँ बर्गर भी मिलता है जो कि बर्गर यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस है। अभी तक आप सिवान में ऐसा बर्गर कहीं नहीं खाए होंगे। अभी देख सकते हैं यहाँ पे सारा आइटम दिखाया होगा। भैया कितना कितना दिन पुराना स्टॉल होगा ये? करीब 6 साल हो गए सर। 6 साल यहाँ पे जी सर। देख सकते हैं अभी भैया मंचूरियन बना रहे हैं, इसमें अभी क्या क्या मिलाए हैं आप? देख सकते हैं वहाँ ग्रेवी रखा हुआ है, अभी ये बनाया जा रहा है। इनका बनाने का तरीका सबसे लाजवाब है, देख सकते हैं अभी कितना जबरदस्त तरीके से बना रहे हैं। कितना देर में बन के रेडी हो जाता है? 2 से 3 मिनट। देख सकते हैं बनाने का तरीका, अभी इसमें क्या पड़ा है? ये अभी ग्रेवी पड़ गया है, उसके बाद मंचूरियन पड़ेगा, उसके बाद बनेगा। कितना रुपया प्राइस है भैया इसका? 90 रुपीज़ है। 90 रुपये प्राइस है, वो भी इतना सस्ता है? इतना सस्ता तो नहीं मिलता, आपके यहाँ इतना सस्ता क्यों है? जी सर हमारे पास सस्ता ही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पब्लिक क्या चीज़ डिमांड करता है खाने के लिए? सबसे ज़्यादा हमारे पास मिला जुला के सब चीज़ तो चल रहा है। अगर हमारे सब्सक्राइबर यहाँ खाने आते हैं तो उनको छूट मिलेगा? एकदम। तो इस जगह का क्या नाम पड़ेगा? ये जगह का नाम महादेवा रोड है। महादेवा रोड आप यहाँ डीएम निवास के बिल्कुल सामने है। डीएम निवास के बिल्कुल सामने, तो आप भी यहाँ आके खा सकते हैं। अभी देख रहे हैं कि मंचूरियन बन रहा है, मंचूरियन पूरा रेडी हो चुका है। मंचूरियन देख सकते हैं अभी, अब ये निकलाएगा और पैक होगा। आगे भी आपको दिखाएंगे यहाँ कौन कौन सा आइटम बनता है। अभी उधर बर्गर रखा गया है, देख सकते हैं अभी मंचूरियन बन के रेडी हो चुका है और पैक हो रहा है। अभी बहुत ही जल्दी 2 से 3 मिनट में बन के तैयार हो चुका है। इधर देख सकते हैं स्प्रिंग रोल इधर तैयार हो रहा है। भैया इसको बनाने में कितना देर लगता है स्प्रिंग रोल? इसमें 3 मिनट ज़्यादा में ज़्यादा। 3 मिनट में बन जाता है। इसमें क्या क्या मिलाया होंगे? इसमें चाउमीन और पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर मिला हुआ है सर। आप भैया कहाँ से हैं? नेपाल से है सर। नेपाल से? जादू आपके हाथ में कि लोग ऐसे ही खाने आते हैं? कुछ तो होगा ना जिसे लोग आते हैं खाने? ये कि सर हाथ के भी टेस्टी के फर्क पड़ता है, इसीलिए अच्छा आ जाता है। कितना देर में बन के रेडी हो जाएगा? बस बन गया सर, बन गया। अभी देख सकते हैं भैया नेपाल से हैं और आगे सिवान में अपना स्टॉल चला रहे हैं, जो कि सिवान वाले से भी ऐसा नहीं बनने वाला आइटम जो ये लोग बना देंगे। तो बगल में देख सकते हैं, बगल में बर्गर भी बन रहा है, बगल में बर्गर बन रहा है। भैया कौन सा बर्गर बन रहा है? ये तो फ्राई करके तेल में बर्गर है। ये तो देख रहे हैं तेल में फ्राई करके एक बर्गर बनता है, ये कौन सा बर्गर है? ये हम लोग सेक के बनाते हैं, फ्राई नहीं करते। सेक के बनाते हैं, पब्लिक ज्यादा यही डिमांड करता है। कितना देर में बनकर रेडी होता है बर्गर? ज्यादा में ज्यादा 5 मिनट। 5 मिनट में बन जाएगा? बन जाएगा। इसका प्राइस क्या होगा? प्राइस मतलब प्राइस इसका मतलब रेट क्या होगा इसका? इसका रेट 30 रुपये। क्या क्या मिलाएंगे इसमें? इसमें चटनी डालेंगे, टिक्की डालेंगे, सॉस, दही, जीरा, टमाटर, प्याज, पनीर। अभी टिक्की निकाल रहे हैं भैया, देख सकते हैं टिक्की इसमें लग चुका है अब। और इसमें देखा जाए क्या क्या मिलाते हैं भैया, वो प्याज, ये प्याज पड़ रहा है और ये खीरा पड़ रहा है। अब देख सकते हैं अभी कितना बेहतरीन तरीके से बना रहे हैं भैया। बड़ा सा तवा रखा गया और ये पनीर पड़ रहा है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में पनीर पड़ रहा है, जो कि अलग जगह जाएंगे दूसरे जगह तो थोड़ा कम पड़ता है। ये ग्रीन चटनी पड़ रहा है अभी, ये टमाटो सॉस है देख सकते हैं, और ये क्या है? पत्ता, ये पत्ता गोभी है, और ये दही है। ये क्या है भैया? क्रीम मोनीज है। ये क्रीम मोनीज है।
और ये हमारा बर्गर अब बन के रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना बेहतरीन लग रहा है देखने में यहाँ से भी। तो अभी उधर बाहर कुछ लोग खा रहे हैं, चलिए उनसे बातें करते हैं। कुछ भैया कैसा लग रहा है स्प्रिंग रोल खा के? बढ़िया लग रहा है। कैसा टेस्ट है? अच्छा टेस्ट है। 25 रुपये में कम्फर्टेबल लग रहा है? हाँ। ऐसा अदर जगह मिल जाएगा 25 रुपये में? नहीं, अदर जगह नहीं मिलेगा। अच्छा, मतलब यहीं पे लोग क्यों ज़्यादा खाने आता है? साफ सफाई रहता है, फ्रेश रहता है, क्वालिटी भी अच्छी रहती है। क्वालिटी अच्छी रहती है। आपको कैसा लग रहा है भैया? काफी बढ़िया है। बने लगा तो हाथ में लिए क्यों? खा क्यों ना? थोड़ा गर्म है, ठंडा हो जाए तो खाने में बहुत ज्यादा गर्म है, इसलिए नहीं खा रहे हैं। गर्मा गर्म मिलता है, अच्छा बात है। स्वादिष्ट रहता है। स्वादिष्ट रहता है, काफी स्वादिष्ट। पहली बार खा रहे हैं कि इससे पहले? बहुत बार खा चुके हैं यहाँ पर, हमेशा आते रहते हैं। हमेशा आते रहते हैं जी। देख सकते हैं यहाँ के पब्लिक को इतना पसंद आ रहा है स्प्रिंग रोल कि हर चीज अच्छा लग रहा है। कितना पब्लिक यहाँ पसंद कर रही है चाइना टाउन को। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।